वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात हो रही है मेमोरी लॉस की। और अभी हाल में ही एक ये जो सर्वे हुआ है यहाँ पर ब्रिटेन में, उसमें ये कहते हैं कि द पीपल बिटवीन द एजेस ऑफ 45 एंड 59 दे आर द लीस्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड ग्रुप ऑफ पीपल इन दिस कंट्री। लेकिन अच्छी बात ये बताई गई है कि अगर आप इस ब्रैकेट में हैं तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स ये भी बता रहे हैं कि द पीपल बिटवीन द एजेस ऑफ 65 एंड 80 दे आर द मोस्ट सेटिस्फाइड एंड मोस्ट हैप्पी पीपल। तो मेरा ख्याल है ये आखिरी स्टेज जो है लाइफ की, इसमें लोग ज़्यादा कंटेंटेड हैं। मगर एक ख़राबी उसमें ये है इस लास्ट स्टेज में कि हमें मेमोरी लॉस जो है या फिज़िकल जो हमारी डिसेबिलिटीज़ हैं वो उनके चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये मेरा ख्याल है यही एक प्रॉब्लम होती होगी, और लोनलीनेस की एक प्रॉब्लम है जो कि उस एज ग्रुप को परेशान करती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इस स्टेज पर आके मेमोरी लॉस इज़ अ बिग चैलेंज। ज़रूर, आपने बहुत सही बात बताया। कुछ चीज़ पाते हैं, कुछ चीज़ खोते हैं, वही होता है। लेकिन उसको आप जितना जल्दी एक्नॉलेज करेंगे और हेल्प पाएंगे, सपोर्ट पाएंगे, तो आप उसको काफ़ी अच्छी तरह से जी सकते हैं उसके साथ। अच्छा, चलिए हमें आप ये, मेरे ख्याल एक कॉलर जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द शो। जी, गुड मॉर्निंग सैयद साहब। जीने का तो उसमें यही है कि जब एक उम्र हो जाती है क्रॉस, तो फिर यही कहते हैं ज़रा उम्र रफ्तार को आवाज़ देना। अब वो जो उम्र रफ्तार है वही शायद आपको खुश रख सकती है। मुझे डॉक्टर साहबा से एक सवाल ये पूछना था कि ये जो आप मेमोरी लॉस की बात कर रही हैं, जहाँ तक मैं समझ ना पा रहा हूँ कि ये गालिबन मुख्तलिफ डिजीज से रिलेटेड है, जैसे आपने कहा पार्किंसन है, थायरॉयड है, क्या मेमोरी लॉस इटसेल्फ हेल्दी लोगों को भी हो सकता है इस एज में जिसका आप बता रही हैं, जिनको कोई बीमारी ना हो? और दूसरा सवाल ये है कि जिस वक्त ये बीमारी पैदा हो जाती है, चाहे वो डिजीज से हो या बगैर डिजीज के, तो यही शायद लीड करती है डिमेंशिया को गालिबन। और फिर बाद में जो आपका हशर होता है वो तो खैर खुदा को पता ही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग होम केयर में जाके एंड अप होते हैं। तो ज़रा आइंदा फ्यूचर के बारे में कुछ बता दें कि जब आपको ये बीमारी हो जाए तो उसके बाद फिर क्या क्या आपके लिए परेशानियाँ हो सकती हैं, और ये कि इसको मेमोरी लॉस को जनरली कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है किसी भी सूरत से। शुक्रिया। हाँ जी, तो पहली बात ये कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चंस सैयद साहब। पहले ये कि भाई अगर आप हेल्थी भी हैं तो भी आपको ये हो सकती है। हाँ, मैंने बताया ना 15% ऑफ पीपल आफ्टर द एज ऑफ 65 आर वल्नरेबल, सो ये हो सकती है चाहे आपको कोई बीमारी हो या ना हो। लेकिन काफ़ी जो और जो मेजोरिटी है उनको तो कोई ना कोई और बीमारी होती है, या तो देर आर ऑल मैनी कॉजेज फॉर इट। ब्रेन इंजरी से होता है, या तो बीमारी होता है, न्यूट्रिशनल कॉजेज होते हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज भी होते हैं। मानो आपको बहुत डिप्रेशन होता है या तो लोनलीनेस से भी हो सकता है, क्योंकि आप अपने आप से ही बातें कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। सोशल फैक्टर्स भी काफ़ी होते हैं, तो काफ़ी कॉजेज उसके अलग अलग होते हैं। ब्रेन इंजरी है, ट्यूमर है आपको ब्रेन में, तो ये भी उसे भी होता है। अच्छा, अभी आपने पूछा कि उसको हाउ टू हैव द सपोर्ट, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी वेलफेयर, आपका खाना पीना, वेलफेयर सपोर्ट, क्योंकि यू विल ऑल्सो लूज योर ओन एबिलिटी टू ड्रेस अप। हाउ यू ड्रेस अप, हाउ यू क्लीन योर बॉडी, ये सब भी चली जाती है। तो यू विल नीड अ केयरर और सपोर्ट, तो असेसमेंट होना बहुत जरूरी होता है। तो ये किस स्टेज पे आप कहेंगे कि हाँ आपको केयरर की जरूरत है? मतलब थोड़ा बहुत तो जो है, अगर आपकी मेमोरी गई है तो आप अपने आप को कर सकते हैं मैनेज कि नहीं? नहीं, इसलिए हम लोगों को यू हैव टू कम टू अस टू आवर स्पेशल, वी डू एन असेसमेंट। अच्छा, असेसमेंट के बाद हम पता चल जाए कि ये नॉर्मल ट्रिवियल माइल्ड मेमोरी लॉस है कि एक्चुअली सीवियर अमनेशिया है। मैंने बोला ना मेन सिम्टम्स है कि आपको पुरानी बातें तो सब याद रहेगी, रीसेंट अभी हुई बातें, अभी हुई कल आपने क्या खाना खाया, जैसे हमारे मेरे ख्याल ये भी एक क्वेश्चन है कि वो कल भी है ना, अगर आप दो तीन घंटे के बाद भी अगर उसको यू कैन रिकॉल, तो ये इतना सीवियर अमनेशिया नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द नाइस गाइडलाइंस ना, वी माइल्ड टू मॉडरेट को वी हैव रिकमेंडेड, नाइस रिकमेंड्स कि उनको वी मस्ट रिफर फॉर व्हाट वी कॉल एज टेक्निक्स, और वी कॉल एज बिहेवियर और सपोर्ट थेरेपीज, टॉकिंग थेरेपीज। तो उन लोगों को पढ़ाना नंबर्स फिगर्स से नहीं, लेकिन उनको वी टीच और दिस स्पेशलिस्ट टीच देम विद फोटोज, ऑब्जेक्ट्स, कलर्स, साउंड। अच्छा, तो ये पूरी एक थेरेपी है जो उनको दी जा सकती है अंडर द एनएचएस। यस, व्हिच इज कॉल्ड बिहेवियर सपोर्ट थेरेपी।
और अगर काउंसलिंग भी, बिकॉज उसको उसका दिल हर्ट का हो जाता है, उनको पुरानी चीजें तो काफी दिमाग में घूमती है, तो दे कैन एक्सप्रेस आउट. वेरी इंपॉर्टेंट इज द होम एनवायरमेंट हैज टू बी चेंज. आपकी जो पुरानी चीजें है ना, आप इतनी बड़ी यू आर अटैच, सो यू डोंट वांट टू डिपार्ट, बट दे आर द वन दैट मे कंफ्यूज यू, सो यू वांट टू री एडजस्ट योर हाउस. सो यू विल गेट अ स्पेशलिस्ट एडवाइस फ्रॉम द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और द केयर सपोर्ट ग्रुप हु विल रीऑर्गेनाइज. सो बोलेंगे कि अगर यहाँ पे है चाबी रखी है तो यही है, एनक यहाँ है तो यहाँ है, तो दे विल पुट अ कार्ड फॉर इट, और डीक्लटर कर देंगे घर को ताकि सिंपल हो जाए आपका एनवायरमेंट, ताकि आपको थोड़ी चीजों को याद रखने की जरूरत पड़े. सिंपल स्टेप्स बहुत जरूरी है, तो होम एनवायरमेंट चेंज करना पड़ेगा. अच्छा, और दे विल हेल्प यू. सो एंड डोंट ओवर बर्डन, एक ही दिन पे शॉपिंग करना है, ये करना है, वो यू कांट कोप विथ इट. सो मैंने बोला मिनिमम टास्क, सिंपल टास्क, और उनसे बात भी है ना करें अगर आप, तो बहुत सिंपल वर्बल में करें. डोंट आस्क देम टू मेनी क्वेश्चन, लंबे लंबे. ओ फॉर एग्जांपल दादाजी ये आया है, आपने उसको पहचाना नहीं, उन्होंने ये कहा है. डोंट से सिंपल, आपने देखा कौन आया. सो वेरी सिंपल वर्बल कम्युनिकेशन, दे डोंट वॉन्ट टू मच क्लटर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरी इंपॉर्टेंट इज यू मस्ट गिव देम लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट, बहुत जरूरी. यही एक चीज जो है, अभी हम अगला भी जो हमारा हिस्सा है ना, उसमें भी यही बात हो रही है कि जो अपने लोग जो एल्डरली हैं उनको कैसे इमोशनल सपोर्ट देने के यहाँ पर हम सिस्टम. आयरनी है इसके, ये यास्मीन जो केयरर्स होते हैं ना, दे डबल सफर. हाँ, बिकॉज मैंने बोला ना, दीस पीपल गेट वेरी कंफ्यूज, दे बिकम वेरी सस्पिशियस, दे मे नॉट रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, और आपको भी पहचान नहीं दे सकते हैं. दे मे से यू आर नॉट माई वाइफ, यू आर माई गर्लफ्रेंड, यू आर माई नेबर. And you have a shocks. So you also need a lot of support. So that's why we have careers or carers association. आप यहाँ पे जा सकते हैं. Alzheimer's Society, they do a lot of group services, discussion. आपको ये सब काफी कैसे support देते हैं. Support देके क्या क्या आप कर सकते हैं to cope with it. So ये सब सलाह देंगे. And your therapies जो होती है, dance support, ये dance therapy है, music therapy है. तो ये this is very important to keep your self esteem going. क्योंकि अगर आप बात नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन प्रोबली एंजॉय लिसनिंग टू द म्यूजिक, डांस, ये छोटे छोटे प्लेजर्स जो हैं, ये छोटी छोटी जो आपकी हॉबीज हैं, जिसको हॉबी बना लें तो अच्छा है. तो ये आपको मेरा ख्याल है आपकी कॉग्निटिव जो पावर है उसको बेहतर कर सकती है. छोटे छोटे पजल कर सकते हैं, छोटे छोटे पिक्चर बुक्स नहीं होते उसमें स्टोरी पढ़ सकते हैं आप, और काफी कुछ कर सकते हैं. एक और हम कॉल ले लेते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग. हेलो, मुझे यास्मीन से बात करनी है. हाँ जी, आप करें. प्लीज, गुड मॉर्निंग जी. ऑन एयर नहीं करनी. आप अपना नंबर फिर छोड़ जाइए हमारे जी, तो आपसे वो बात कर लेंगे और आपका नंबर ले लेंगे जी. ओके, तो मैं जो आप बात ये कर रहे थे ना कि ये कैसे अपनी एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइजेस क्या होनी चाहिए. मेंटल एक्सरसाइज ही ये ग्रुप होता है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, सपोर्ट ग्रुप और मेमोरी सपोर्ट सर्विसेज. वहाँ पे आपको छोटे छोटे पजल करना बताएंगे. अच्छा. छोटे छोटे म्यूजिक या तो कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं वो बताएंगे आपको. सुडोको आप कर सकते हैं. हाँ, वही है. और गिनती है ना, वे 1 to 10, 10 to 1. हाँ, ये थोड़े थोड़े आपको, तो कीप योर माइंड, इतना भी ओवर स्टिमुलेट नहीं, लेकिन टू कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड. आपको एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी, मन मन एक्सरसाइज, जिससे आपका है ना टाइम गुजर जाए, नहीं तो आपको वक्त का पता ही नहीं चलता है. वैसे फिजिकल एक्सरसाइज भी जो है वो आपके जो ब्रेन सेल्स को काफी वो जो है, अगर आपको आपकी सर्कुलेशन को अच्छा रखें तो आपके मेंटल भी, आपकी एजिलिटी जो है वो बेहतर रहती है. लेकिन मोटिवेशन, इन लोगों में मोटिवेशन बिल्कुल चला जाता है. दे डोंट लाइक गोइंग आउट. जो उनको जो हॉबीज जो ज्यादा पसंद होती है, वो दे लूज द इंटरेस्ट, बिकॉज दे फील में याद नहीं रहता है मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को पता नहीं. दे डोंट एंजॉय. सो उन लोगों को ये और छोटी छोटी चीजों में से वी कैन हेल्प देम टू हैव द लिटिल बिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम. अच्छा, जैसे वो बता रहे थे कि किसी और से भी बात करी थी, वो कहने कि ये जो है ना कि आप अपना उनसे पूछें डेट ऑफ बर्थ उनकी क्या है, या आपका एड्रेस क्या है, या आपको पिछला एड्रेस क्या था, ताकि उनके दिमाग पे जोर पड़े, तो थोड़ी सी उनके जो है ना वो क्वेश्चन मत पूछो. दे गेट वेरी इरिटेटेड. उनको फोटो निकालो, पुराना आपका एल्बम है उसमें से बोलो, तो दे विल रेकग्नाइज, हाँ ये यू, ये मेरी बेटी है, यहाँ मैं गया था, क्योंकि दे रिमेम्बर दिस थिंग. अगर आपको उसको सवाल पूछेंगे ना कि आपको याद नहीं आया, नहीं नहीं, हाँ ये तो, ऐसे नहीं, हाँ, इस तरीके से तो नहीं. फोटोज में है,
अलार्म क्लॉक रख दो, मानो उसको कुछ याद करना है, चाय अच्छा। पीना है और आपको कहीं, तो चाय रखी है आपने तो अलार्म क्लॉक वहां पे रख दो कि 3 बजे ये चाय बजने लगेगी, और चाय रखिए तो अलार्म क्लॉक में उसमें ध्यान जाएगा। सो ये दे यू हैव टू स्टिम्युलेट द अदर सेंसेस लाइक हियरिंग साइट अदर, उनको नॉइज अच्छा नहीं लगता है, अच्छा बहुत लोग अच्छे नहीं लगते, दे लाइक कामनेस, सो उनको ये थोड़ा एनवायरमेंट चेंज करने से यू कैन ईजिली गिव देम लॉट ऑफ कम्फर्ट एंड मेडिकल हेल्प, अगर दे नीड मेडिकेशन इफ दे हैव इलनेसेस दे मस्ट गो टू सी द डॉक्टर्स एंड दे माइट बी प्रोवाइडेड विद सम मेडिकेशन फ्रॉम पार्किंसंस डिजीज, आज तो दवाई है, योर जीरियाट्रिशियन जो बड़ी उम्र के बाद के डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं दे मे डायग्नोस एंड गिव यू मेडिसिन, पार्किंसन के लिए भी दवाई है, ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो यू मस्ट टेक योर मेडिकेशन, सो लॉट्स ऑफ सपोर्ट्स आर देयर, मेमोरी एड्स आर देयर। मगर तारा ये तो आप बहुत आइडियल एक सिचुएशन बता रही हैं कि इतना पेशेंटली और इतने टाइम दे के आप किसी एल्डरली को ये आप थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं या आप उनको सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन लोगों के पास आजकल टाइम की जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो शॉर्टेज ऑफ टाइम है, यू नो आई मीन जो एल्डरली जो यंग लोग हैं मतलब रिलेटिवली यंग हैं या मिडिल एज भी हैं वो काम पर भी जाते हैं वो घर वापस आते हैं, दे हैव हार्डली एनी टाइम, तो ये सारा एक ये भी तो एक इशू हमारे अपनी कम्युनिटी में बढ़ता जा रहा है, जो कि हम अगले भी हमारा जो लेटर है उसी से बेस्ड है। एक हम कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, माफ कीजिएगा, मैं दोबारा आया हूँ सैयद। असल में आपने यसमिन भाई साहब खतरे की घंटी जो बजा दी है उसकी वजह से मुझे दोबारा आके ये पूछना पड़ा है डॉक्टर साहब से, अगर उनके इल्म में है जो मैंने कहीं पढ़ा था कि ये एक एस्पेक्ट जो है कॉग्निटिव मेमोरी का, और ये मैं उनके लिए नहीं कह रहा कि जिनकी मेमोरी लॉस है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जो सही मेमोरी रखते हैं, कि अगर आप बैकवर्ड रोजाना 10-15 मिनट वॉक करें उससे आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है, इसका कोई एविडेंस है आपके पास? ओके शुक्रिया, थैंक यू जी। नहीं ये अच्छी बात है, आपने ये बात पूछी है जिससे काफी लोगों को हेल्प भी हो सकती है। दैट्स राइट, ये जो नॉर्मल पेशेंट जब आप यंग होते हैं, जब आपको ब्लड प्रेशर नहीं होता है, आपको डिसेबिलिटी या मोबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज बाय विच यू कैन स्टिम्युलेट योर ब्रेन, यू कैन डू पजल्स, यू कैन डू वेरी डिफिकल्ट कॉग्निटिव फंक्शन, आपने बोला पीछे चले जाओ, लेकिन यू मस्ट बी हेल्दी, आपका बैलेंस अच्छा होना चाहिए, बिकॉज इफ यू फॉल डाउन देन इट विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज व्हेन यू गो बैक ना यू आर डिसओरिएंटेड, सो वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इसमें पजल ये जो होता है ना सब आपको यू विल बी प्रोवाइडेड बाय फ्रॉम द मेडिकल सर्विसेज, एंड दूसरा जो आपने बोला कि बिजी लाइफ बोलते हैं ना, तो सोशल सर्विसेज इसीलिए है, तो दे विल कम एंड असेस यू, एंड आफ्टर असेसमेंट I know there are lot of means आधा घंटा वो तो देते हैं, वो एक जो है जिसके पास भी जाते हैं जिसमें उन्होंने उनके सारे काम भी करने होते हैं, उनको ड्रेसअप करना होता है, उनको चेंज करना आई मीन बेद करना होता है, सब कुछ करना होता है, तो हाउ कैन दे जस्ट गिव यू दैट काइंड ऑफ टाइम? आई नो इट्स एवरीथिंग इज मीन्स टेस्टेड, अगर अगेन आप अगर उसको असेसमेंट के लिए मांगोगे नहीं अच्छा तो हाउ यू विल फाइंड आउट कि आपको मिलेगा तो हो सके तो प्लीज डू आस्क, एंड मींस टेस्ट भी करना पड़े तो यू मेन फैमिली हैव टू डिसाइड सम टाइम रादर देन द पर्सन, सो फैमिली मेंबर्स कैन डिसाइड कि अगेन उनके लिए अगर फायदाजनक है तो अगर ओके पर्सन मे हैव टू गो इन अ केयरर्स होम और नर्सिंग होम और यू नो इन द अदर इंस्टीट्यूशन वेयर दे कैन गिव दिस सपोर्ट, पर इट्स बेटर दैट इफ यू कांट प्रोवाइड वो पेशेंट अकेला छोड़ दे और वो डिप्रेस हो जाए, बिकॉज तो उससे तो अच्छा है कि अगर थोड़ा भी पैसा दे के भी आपको अगर ये सर्विस मिल रही है तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये बात है कि उन लोगों का जैसे हम उस स्टेज पर तो नहीं आए, हम कैसे अपने आप को ये करें कि प्रिवेंटिटिव हम क्या करें कि जिससे जो थोड़ा बहुत हमें हो कि भाई हम जल्दी इतनी जल्दी हम वो नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल ही सठा नहीं जाएंगे। एक और कॉल हम ले लेते हैं। हेलो, बिजी रखो। हेलो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम यासमीन। वालेकुम सलाम। अच्छा मैंने ये पूछना था, अभी आप तो ओल्ड एज पीपल्स की बातें कर रहे हैं कि चलो वो तो ओल्ड हैं तो उनको ये सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना जी, लेकिन मेरे एक दोस्त है उसका बड़ा यंग लड़का है तो उसको डिप्रेशन सा हो गया हुआ है, डॉक्टर ने बताया, और वो दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच दिन वो सोता, दिन रात नहीं वो सोता, रात को उठ उठ के पानी पिएगा, सिगरेट पिएगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर, सारे माँ भी उसकी वजह से सोती नहीं बेचारी ना, जागती है देखती रहती है, अभी इतने बजे अभी ये फिर रहा है, अभी घूम रहा है, ये कर रहा है, और सारा दिन भी ऐसे अंदर घूमता रहता है, बस कुछ नहीं करता, मतलब जैसे इंसान बड़ा रेस्टलेस होता है ऐसे का, उसकी क्या वजह है? मुझे वो बड़ी परेशान है उसकी माँ, तो ये क्यों होता है? वो तो यंग है लड़का, तो ये तो बड़ी वो बड़ी माँ इतनी परेशान है कि मैं बताऊं, मैं कहा चलो मैं आपका टॉपिक ये चल रहा था, मैंने कहा पूछूं आपको कि क्या वजह है, वो तो यंग लड़का है उसको तो ऐसे नहीं सिम्टम्स होने चाहिए।
Thank you very much for sharing this situation which you actually your friend is going through. Thank you very much. जी तो sympathize पर ये this is one of the common cause है. These are called the commonest causes for memory loss. If you are very stressed, if you are very depressed, if you are deprived with and if you are on drugs, smoking, alcohol. और कुछ ड्रग्स ले रहे और या कुछ और दवाई ले रहे लाइक फॉर एग्जांपल लॉन्ग स्लीपिंग टैबलेट्स ट्रैंक्विलाइजर डिप्रेशन सो उससे ये आपको ये तो डिप्रेशन ही है जैसे सो डिप्रेशन ड्रग्स दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस फैक्टर्स सो अगेन दे मस्ट गेट टू द साइकियाट्रिस्ट हेल्प. तारा ये इतना लंबा टॉपिक है और इसमें इतना कुछ हम बता सकते थे अभी फूड वाइज भी जो है मेरा ख्याल है वो बता सकते थे लेकिन टाइम की इतनी जल्दी टाइम जस्ट फ्लाइज बाय. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस प्रोग्राम और हम आपसे यही कहेंगे कि अभी और भी हम प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो भी रिलेटेड है टू ओल्ड एज और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी आप लेटर हमें लिखना चाहते हैं तो ई मेल हाजिर है info@yasminqureshi.com और अगर आपने फ़ोन करना हो तो आपको मालूम है 0203-6300-610. विल सी आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक.